हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम अपने ब्लॉग में लाल किला को एक्सप्लोर करेंगे और लाल किला घूमने चलेंगे और वहाँ पे कैसे कैसे घूमेंगे वो सारा चीज़ आप हमारे ब्लॉग में देखिएगा। पहले यहाँ से हम इंदिरापुरम से ऑटो लेंगे और ऑटो से जाएंगे कौशाम्बी और कौशाम्बी से मेट्रो, मेट्रो से राजीव चौक और राजीव चौक से देन हम चांदनी चौक या लाल किला जाएंगे और वहाँ से फिर हम लाल किला घूमने चलेंगे। तो चलिए आगे। तो गाइज यहाँ मेट्रो में बैठ गया और मेट्रो से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी हम निर्माण विहार क्रॉस कर रहे हैं और आगे आगे चलते देखते हैं। तो गाइज हम फाइनली लाल किला पहुँच गए। आप देखिए सामने जो मोदी जहाँ पे झंडा फहराते हैं वो दिख रहा है और लाल किला को बनाने में देखिए चारों तरफ से लाल पत्थर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा है और धूप सामने रिफ्लेक्शन पड़ रही दीवार पे, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है दीवार, बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है अभी लाल किला का। तो आगे आगे हम चलते हैं देखते हैं। और तो आप जो सामने देख रहे हैं ये लाल किला का मीना बाजार है जो कि शाहजहाँ के टाइम से यहाँ पे लगाया जाता है और यहाँ पे आपको लेडीज़ ज़्यादातर लेडीज़ का ही चूड़ी वगैरह और बैंगल्स प्लस चूनर वगैरह मिलता है। यहाँ पे आप देखिए सामने बहुत से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। बाकी हम आगे चलते हैं, आगे लाल किला के अंदर लाल किला म्यूज़ियम है, वहाँ भी चलेंगे हम अभी। तो देखते हैं, रेस्ट को आगे आगे चलते देखते हैं। बाहर निकलते गए आप सामने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यही लाल किला म्यूज़ियम है। बाकी अभी हम फिलहाल अंदर नहीं चल रहे, बाकी देखते हैं उधर से डिटेलिंग वगैरह हम अंदर जा पाएँ तो आपको ज़रूर अंदर का व्यू दिखाएंगे। अभी ये बनाया ही जा रहा है और बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं उस टाइम के ज़माने के ओल्ड फैशन के हिसाब से ही बनाया गया, तो बहुत ही सुंदर है ये। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल लाल किला का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है यहाँ पे, एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह। बाकी हम आगे चलते हैं जहाँ पे अकबर का जो दीवाने ख़ास जिसको बोलते हैं, जैसे राजा का जो दरबार होता है उस टाइप से दीवाने ख़ास बनाया गया है, वहाँ पे मैं आपको ले चलूँगा अभी। और वहाँ पर सामने चलते हैं और सामने से व्यू देखते हैं उसका, अकबर के बैठने का स्थान प्लस उसके अंदर जाने का जो गेट है उसके बारे में सारा जायज़ा लेते हैं और चलते हैं आगे। तो आप ये सामने देखेंगे तो ये दीवाने आम आपको दिखाई देता है, इसी का दूसरा नाम दीवाने खास भी है। यहाँ पे अकबर अपनी सारे मंत्री प्लस सेनापति या सेना के साथ बैठ के यहीं पे सारा मशवरा करता है। ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ अभी, और सामने आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो अकबर के बैठने का भी स्पेस है जो कि बिल्कुल कांच से उसको घेर के रखा गया है। तो अभी देखिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ उसको, तो चलते हैं। क्या क्या फिर से हिस्ट्री बताइएगा। अच्छा हिस्ट्री बताइए, क्या है प्रीतम भाई? अरे ये लाल किला है यार। नहीं वो तो पता है लाल किला, तो
तो उजला किला कैसा है ये? कौन सा उजला किला? इसको वो तो मस्जिद टाइप से वो लोग बनाए थे, आई थिंक मस्जिद ही है वो। तो गाइस जाते जाते हम यहाँ से भी गुजरे, आप देखोगे यहाँ पे तो मार्बल में बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है यहाँ पे, और पत्थरों पे यहाँ पे फूल का डिज़ाइन बनाया गया है। आप इसकी सीलिंग पे भी देखोगे तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया है। देखिए उस टाइम पे भी बहुत बहुत मतलब अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लेसेस के साथ और नए नए एडवेंचर के साथ। ओके बाय बाय गाइज। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।